ऐसी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जिनके हम सपने देखते हैं, लेकिन जब वो हमारे करीब आने लगती है ना तो हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा अक्सर होता है और आप लोगों ने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। मैं बिल्कुल यहाँ पे उस चीज़ की तो बात नहीं कर रहा जो भी आप सोच रहे हैं, मैं बात करूँ यहाँ पे उस ड्रीम जॉब की जो आप 2018 बाद में एक सपना देख रहे थे कि अगर दोबारा ये वैकेंसी आ गई ना तो मैं खुद को बुला करके भी इसमें जी जान लगा दूंगा। लेकिन जब जैसे जैसे वो दिन नज़दीक आ रहे हैं ना, आप तो कहीं और किसी और को बुलाने में अपनाने में लगे हुए हो, अपने करियर को लेकर की चीज़ें भूल चुके हो कि आपको आखिर करना क्या था। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ उस ड्रीम जॉब की जो एक लड़की हमेशा लाइफ में ऐसा सोचती है कि मैं एक ऐसे ओहदे पे जाऊँ जहाँ पे मुझे कुछ एक अलग मिले, जहाँ पे मैं अपने आप को वर्चस्व को साबित कर सकूँ, जहाँ पे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ कि दुनिया कहती है कि ये लड़की क्या कर सकती है। दूसरी बात, लड़के वो जो हमेशा ऐसा लगता है कि लड़कियों को रिजर्वेशन मिलता है लेकिन लड़कों को भी कभी तो रिजर्वेशन मिले, तो एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर लड़कों को भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के बात करूं, और अगर आप अदर स्टेट से हमेशा पूछते सर आप इसको लेकर क्लियर नहीं करते, अदर स्टेट से हैं तो भी आप राजस्थान की इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ वुमन सुपरवाइजर की, ठीक है? ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ वुमन सुपरवाइजर की, ठीक है? अच्छे से समझ लीजिएगा, ये वैकेंसी, ठीक है, दो आती है, एक आंगनवाड़ी वाली आती है लेकिन ये आधिकारिक पोस्ट वाली है, जो कि किस पद पर होती है, एक आधिकारिक पोस्ट होती है, और जो कि डिपार्टमेंट कौन सा होता है, महिला एवं बाल कल्याण विकास, ठीक है, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग, ठीक है, ये इस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी आती है। मैंने पूरी डिटेल का एक अलग से वीडियो बना रखा है, इसका पूरा सिलेबस बता रखा है पॉइंट टू पॉइंट। फिर भी आपको सिलेबस चाहिए मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको इसका सिलेबस फिर से मिल जाएगा, आप रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पे आप जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग ऐसा है, अगर मैं बात करूँ ना एक प्रशासनिक अधिकारी वाली जो फीलिंग आती है ना आरएस जैसे, वैसे आपको इस पोस्ट के अंदर आएगी, ठीक है, समझ लीजिएगा वैसी फीलिंग आपको इसके अंदर आएगी। एक अच्छा ग्रेड पे है, ठीक है, अगर आप चाहें ना एक आधिकारिक पोस्ट पे जाना चाहते हैं, गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, तो ऐसे मौके को मत चूक जाइएगा। स्पेशली गर्ल्स से कह रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को जुड़ जाइएगा। और एक बात कह दूँ, ये वैकेंसी 2018 में भी आएगी, तब मैंने यहाँ पर आपको पहली बार आप लोगों से मैं टच में आया था, और पहली ऐसी वैकेंसी थी जिसके तहत एलडीसी और इसके तहत मैं आप लोगों से जुड़ा था, और तब से आप लोगों का प्यार और विश्वास है, तब एक अकेला इंसान था जो आप लोगों के साथ खड़ा था, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, इसकी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और इसके एग्जाम तक आपकी एक एक चीज़ यही नहीं, अपडेट ही नहीं, आपको हर एक मटेरियल, स्टडी मटेरियल, आपकी क्लासेस सब कुछ अवेलेबल होगी, तो यहाँ जरूर जुड़ जाइएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और इसका सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो इसकी वैकेंसी कितनी आ सकती है, पहले मैं आपको बता दूँ कि लाडलू ये 2018 के अंदर ये आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है, ये 3-4 साल से आती है, लेकिन यहाँ पे इस बार लग रहा था कि कंफर्म है आएगी या नहीं आएगी, लेकिन 2022 के अंदर इसकी एग्ज़ाम फिक्स हो चुकी है, जो कि नवम्बर के अंदर इसकी एग्ज़ाम होगी। कई लोग आपको ऐसे बता रहे कि इसकी पोस्ट 70 से 80 पोस्ट ही आएगी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 70 से 80 पोस्ट आएगी। 2018 में जो इसकी पोस्ट थी वो 200 समथिंग थी, यानी कि मैं बात करूं कि 180 समथिंग इसकी पोस्ट थी। अब यहां पे मैं अगर बात करूं तो ये कितनी पोस्ट इसमें आ सकती है, तो मैं आपको बता दूं 2022 के अंदर ये 250 टू 300 तक, ठीक है, मिनिमम इतनी तो होगी, 250 टू 300 तक इसकी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए कह रहा हूं ये सपना है, इसको पूरा कर दीजिए। आप सोचते हो कि सर इतनी सी पोस्ट आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, संगणक की आपने देखी कितनी पोस्ट थी ना, कट ऑफ कितनी गई, वो ही 60 से 70 के बीच की कट ऑफ गई है, ठीक है, तो आप भी समझ सकते हो। लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है क्योंकि पोस्ट भी हाई है, इसलिए आप एक समझ करके चलिएगा कि आरएस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसको लेकर के अभी भी अगर आपका सपना है, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे बोलिए। आपका एक महिला सुपरवाइजर का मैं एक अलग से ग्रुप बना दूंगा जिसमें हम प्रॉपर तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपकी अलग से क्लासेज होगी, प्रॉपर तरीके से इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस आएगा ना, जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर, करंट अफेयर, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके, ये सब कुछ का मैंने कॉम्बो पैक बना रखा, जिससे वैकेंसी आए तब तक आप उन चीज़ों को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें आपको पढ़ने में आसानी होगा। जो कॉम्बो पैक मैंने बना रखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है,
आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल है वो, सब कुछ एक बार आप पढ़िए, जिससे आपको एक टारगेट मिल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा, उससे जुड़िए। और आप सबसे ज़्यादा यहाँ कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप एक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो एक महिला सुपरवाइजर का अलग से हम ग्रुप है बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, अगर आपका सपना है तो। और इसके लिए आपको इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, जितना सपोर्ट मिलेगा तो मुझे उतना लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए चीज़ करूँ, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर आप ये समझ करके चलिए कि 2022 में जो सपना है ना, सब कुछ भूल जाइए। अगर और भी कोई जॉब दे रही हो, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ड्रीम जॉब ये है, किस लिए गर्ल्स को, महिलाओं को मैं बोल रहा हूँ, और लड़कों, बॉयज, आपको भी एक बात कह दूँ, ये सुनहरा चांस है यार, एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए लेवल से तैयारी कीजिए, सिलेबस मैंने पूरा प्रोवाइड करवा रखा है, मैं आप कहेंगे मैं टेलीग्राम पर वापस डाल दूंगा, लेकिन जल्दी से जुड़ जाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ये वैकेंसी आपकी कब तक आएगी। ये और सवाल आपका, नवंबर आएगी तो नवंबर से आप 3 से 4 महीने थोड़े से पीछे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जून या जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, समझ लीजिएगा इस बात को, जून या जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको तैयारी लेकिन अभी से करनी, तब तो हर कोई तैयारी करने में लग जाएगा, अगर उनसे आपको 5 कदम आगे निकलना है तो अभी आप, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी आपको तैयारी करना स्टार्ट होगा। इसीलिए मैंने एक स्पेशल आपको अभी आप थ्योरेटिकल जो कॉम्बो पैक बनाया, करंट अफेयर आपको पहले का भी लेके चलना होगा तो आपको एकदम से जोर आएगा, रीजनिंग आपको पढ़नी है इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है, जीके इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें प्रोवाइड करवाई है। उसके बाद में आपके लिए एक अलग से रीजनिंग का बैच भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, जीके के लिए भी, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसके लिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और फोटो पर एक प्यारी सी स्माइल रखिए यार, ठीक है, उस प्यारी सी स्माइल्स पे एक अच्छी सी इमोजी यहाँ पे कमेंट में डाल करके बताइएगा, सर अच्छा लग रहा है और हम अपने इस सपने को पूरा करेंगे। कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जितना आप लोगों का सपोर्ट होगा उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए और अपडेट लेकर के आता रहूँगा। आपको कोई कुछ भी बोले कि इतनी कट ऑफ जाएगी, आपको बोले कि इतनी ही पोस्ट आएगी, इनकी बातों में मत आइए, पुराना हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि जो भी बोला है सोच समझ के और सच्चाई के साथ बोला है, इसलिए आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और मुस्कुराते रहिए, आप उम्मीद सर के साथ हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।